हमारे पास से मशीन ली है, अगर आप हमारे पास से मशीन लेना चाहते हो और या तो आपने दूसरी कोई कंपनी से नॉन इलेक्ट्रिक सोलर मशीन खरीदी है, तो उसको मशीन को फिटिंग कैसे किया जाता है, इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, ये वीडियो के अंदर हम आपको पूरी डिटेल्स पूरी जानकारी देने वाले। फिटिंग करने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले ये मशीन को ठंडा चील्ड करने के लिए बर्फ का आवश्यकता है, आइस, जो हमारे पास आइस पड़ा हुआ है इसका आइस का आवश्यकता है हमारे को। दूसरे नंबर में पानी का रिक्वायरमेंट है, इस तरह का पानी का दो तरह का होल्डर दिया रहता है, एक तो 3 पिन का दिया रहता है होल्डर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक 3 पिन का है और एक 2 पिन का है, ये होल्डर है, ये होल्डर अगर लगा हुआ नहीं है तो आपको ये दोनों होल्डर को लगा के रखना है दोस्तों। अगर आप बड़ा बोतल लेते हो तो उसमें भी ट्रेड सेम रहता है, छोटा मीटर है या बड़ा मीटर है उसका ट्रेड सेम रहता है, ये हिसाब से ये पोजीशन। इसमें हम सोडा भरेंगे, इसमें दिखाइए जूम करके, दिखाइए से, अब देखिए ये भी पूरा ग्लास फुल हो चुका है, देखिए कितना बबल्स और स्ट्रॉन्ग का क्वालिटी, देखिए कितना पावर से सोडा भर रहा है इसमें, अब देखिए इसका स्ट्रॉन्ग देखिए, ये सोडा का परफॉर्मेंस और क्वालिटी आप इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली नॉन इलेक्ट्रिक बिना पावर बिना बिजली चलने वाली सॉफ्ट ड्रिंक मशीन, अगर आपने हमारे पास से मशीन ली है, अगर आप हमारे पास से मशीन लेना चाहते हो और या तो आपने दूसरी कोई कंपनी से नॉन इलेक्ट्रिक सोडा मशीन खरीदी है, तो उसको मशीन को फिटिंग कैसे किया जाता है, इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, ये वीडियो के अंदर हम आपको पूरी डिटेल्स पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको मशीन के बारे में जानकारी मिलेगी कि यह मशीन बिना पावर बिना बिजली पे कैसे चल रही है। पहले बिना वीडियो को चालू कर देते हैं दोस्तों, सबसे पहले यह मशीन को फिटिंग करने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले यह मशीन को ठंडा चील्ड करने के लिए बर्फ का आवश्यकता है, आइस, जो हमारे पास आइस पड़ा हुआ है इसका आइस का आवश्यकता है हमारे को। दूसरे नंबर में पानी का रिक्वायरमेंट है, इस तरह का पानी का बाउल का रिक्वायरमेंट है आपको। तीसरे नंबर में CO2 गैस का बोतल का रिक्वायरमेंट है आपको, छोटा बोतल हो या बड़ा बोतल हो, कोई भी बोतल हो आपको ये बोतल का रिक्वायरमेंट है। चौथे नंबर पे इस तरह का मीटर का रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास इस तरह की प्लेन सादा सोडा की मशीन है तो सिंगल स्टेज का मीटर चाहिए, अगर आपके पास फ्लेवर वाली मशीन है जैसे जीरा मसाला ऑरेंज कोला 2 फ्लेवर 3 फ्लेवर 6 फ्लेवर बड़ी मशीन है तो आपको इस तरह का 3 स्टेज का मीटर चाहिए। फिलहाल हम आपको ये सिंगल स्टेज वाले मशीन को एक ही मीटर से दोनों मशीन को ऑपरेट करके चालू करके वीडियो के अंदर बताने वाले दोस्तों। वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहे तभी आपको ये प्रोडक्ट की नॉलेज, तभी आपको ये प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मशीन की बात कर दूं दोस्तों, मशीन पूरी स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है, कहीं पे भी लोहा MS यूज नहीं किया है दोस्तों। मशीन के अंदर बर्फ और पानी डालने के बाद 20 घंटे तक वो पानी ठंडा और चिल्ड रहता है, आपका मौसम कैसा भी है, 40 डिग्री 45 डिग्री 46 डिग्री का भी अगर टेम्परेचर है तो एक बार आपने जो बर्फ और पानी डाल दिया है मशीन के अंदर, वो 20 से 22 घंटे तक वो पानी ठंडा और चिल्ड रहता है, वो गर्म पानी नहीं होता है, क्योंकि मशीन के अंदर हमने केमिकल सिस्टम फील किया है जिसकी वजह से बाहर का गर्मी अंदर नहीं जाता है, अंदर का ठंडक बाहर नहीं निकलता है दोस्तों। मशीन के अंदर यहाँ पे हमने ड्रॉवर सिस्टम दिया है जिसके अंदर आप पैसा है, नींबू है या तो कोई सामान इसके अंदर ड्रॉवर में लगा सकते हो। मशीन में से कोई बूंद बूंद गिरता है, सोडा गिरता है, पानी गिरता है, फ्लेवर गिरता है तो नीचे ट्रे और झाली दिया गया है जिसका वेस्टेज लाइन नीचे दिया है, जो वेस्टेज वाला पानी वो नीचे सीधा वेस्टेज में चला जाएगा। यहाँ से प्लेन बटन दिया, यहाँ से आप प्लेन बटन निकाल के प्लेन सादा बूस्टर सोडा जो बाजार में किनली लहर का जो सोडा मिलता है वही सोडा आप ये मशीन के अंदर से निकाल सकते हैं दोस्तों। ये मशीन हमारे कस्टमर की बनाई हुई है, हमारे जो कस्टमर है गुजरात में मोरबी करके है डिस्ट्रिक्ट, वहां के कस्टमर है, उनकी ये दोनों मशीन एक ही कस्टमर की दो मशीन है, गोस्वामी गोलावाड़ा एंड जीतू भाई गोलावाड़ा, उनका नाम भी लिख दिया, जो कस्टमर जैसा रिक्वायरमेंट करेगा वैसा मॉडिफाई करके क्रिएट करके बना के हमारे कस्टमर को देंगे। तो चलिए दोस्तों मशीन को ऑपरेट करना बता देते हैं। सबसे पहले वीडियो को इस साइड पे लेके आइए, जूम डाउन करके, जूम डाउन है। सबसे पहले यहाँ पे इसका टैंक है, ये टैंक को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे मशीन का टैंक रहता है, यहाँ पे दो तरह का होल्डर दिया रहता है, एक तो 3 पिन का दिया रहता है होल्डर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक 3 पिन का है और एक 2 पिन का है, ये होल्डर है, ये होल्डर अगर लगा हुआ नहीं है तो आपको ये दोनों होल्डर को लगा के रखना है दोस्तों। सबसे पहले हमें 3 पिन का 1, 2 एंड 3 यहाँ पे 3 पिन है, उसके सामने यहाँ पे भी 1, 2 और 3 पिन दिया गया है, इसको आपको ऐसे लगा देना है, देखिए
ये लग चुका है होल्डर। उसके बाद यहाँ पे इसका जो दो पिन है, ये दो पिन के होल्डर को यहाँ पे लगा देना है। दो वाला कभी तीन में नहीं जाएगा, तीन वाला कभी दो में नहीं जाएगा दोस्तों, ये लग चुका है। उसके बाद इसका ढक्कन ओपन करना है हमारे को, ये ढक्कन ओपन कर देंगे। ये पूरा टैंक फिलहाल खाली है, इसमें कोई मटेरियल पानी कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभी ये मशीन के अंदर हमारे पास जो आइस पड़ा हुआ है, इसको आइस को हम फिल अप करेंगे। ये आप देख सकते हैं आइस का बाउल हमने यहाँ पे ले लिया है, ये पूरा बाउल हम इसके अंदर फिल अप कर देंगे दोस्तों। अब देखिए इस तरह से हम पूरा टैंक है इसको पूरा इसके अंदर डाल देंगे। आपको अगर बड़ा बड़ा पीस डालना है, छोटा डालना है, जैसा भी डालना है आपको, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें आइस भर सकते हो। उसके बाद हमारे पास बचा हुआ पानी पड़ा है, वो आरओ का हम पानी डालेंगे इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी डाल दिया हमने। आपको पूरा फुल करना है, अभी हम तो हाफ बना के आपको दिखा रहे हैं, बाकी आपको पूरा फुल करके ये ढक्कन को वापस जैसा था वैसा फिलअप कर देना है इसे। ये अपना लोडेड मटेरियल हो गया है, पानी डाल दिया, आइस डाल दिया। उसके बाद दूसरा टैंक हमारे पास, इसको हम यहाँ पे वापस ढक देंगे। उसके बाद हम दूसरा लेंगे, दूसरा का भी यहाँ पे हम ढक्कन खोल देंगे। इसका फिनिशिंग देखिए दोस्तों, कैसा फिनिशिंग से पूरी मशीन को क्रिएट किया गया, पूरा बनाया गया, पूरी स्टेनलेस स्टील बॉडी है, कहीं पे भी लोहा एमएस यूज नहीं है। हम देखिए भर दिया है, अभी उसके अंदर भी हम पानी डाल देंगे। इसमें आपको पूरा डाल देना है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डेमो के लिए पानी डाल के दिखा रहे हैं इसमें। डाल दिया है, उसके बाद इसका जो ढक्कन है इसको ढक्कन को लगा देंगे। ये अपना फिलअप कंप्लीट हो चुका है। मशीन के पीछे से दो नोजर निकलेगा, उस साइड से दिखाइए, वहाँ चले जाइए। इस तरह से दो पाइप निकलेगा, ये पीछे की तरफ से दो पाइप निकला, एक ये मशीन का निकला है, वो ये निकला है दूसरा मशीन का। दोनों पाइप को हम यहाँ पे मीटर सेट पे ले लेंगे। पीछे चले जाइए भी, ये पूरा मशीन की प्रोसेसिंग काम क्लियर हो चुका है। मशीन का फिलिंग सिस्टम है, फिनिश है। अभी हमारे पास ये मीटर है, मीटर दीजिए, और एक हमारे पास पाना दे दीजिए। मीटर है, इस तरह का मीटर जो रहता है, ये आप चाहे छोटा बोतल लेंगे तो इसमें भी लग जाएगा, अगर आप बड़ा बोतल लेते हो तो उसमें भी ट्रेड सेम रहता है। छोटा मीटर है या बड़ा मीटर है, उसका ट्रेड सेम रहता है। ये हिसाब से, ये पोजीशन से आपको यहाँ पे लगाना है मीटर को, और इसको यहाँ पे कस देना है इसे। जब देखिए इसको ऐसे ट्रेड को टाइट कर देना है आपको। ट्रेड को टाइट कर दिया, उसके बाद इस तरह का एक पाना ले लेना है आपको, उस तरह से इसको अच्छे से कस देना है आपको। हम देखिए लॉक हो चुका है। उसके बाद मशीन के अंदर से जो दो पाइप निकले थे हमारे पास, अगर आपका सिंगल स्टेज का मीटर है तो एक ही पाइप लगेगा, डबल स्टेज का फ्लेवर वाला मशीन है तो ऐसा आएगा, उसमें एक सोडा का कनेक्शन जो मशीन के अंदर लगता है वो, दूसरा एक फ्लेवर जो डालेंगे उसका कनेक्शन, अगर फ्लेवर वाली मशीन है तो। अगर सोडा वाली मशीन है आपके पास तो एक ही कनेक्शन होगा, और एक ही स्टेज के मीटर पर आपकी मशीन ऑपरेट हो जाएगी। यहाँ पर हम लगा देंगे पाइप को, आप देखिए इसको अच्छे से कस देंगे। उसके बाद दूसरी पाइप निकली हो, दूसरी साइड पे ट्रेड पे कस देंगे। अब देखिए इसे वापस टाइट कर देंगे हम,
छोटा बड़ा है होता है साइज में, तो एक ही पाने से आपका टोटली वर्क हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग पाना आपको लेना है, इस तरह का एक पाना आप ले लेंगे बाजार से तो आपका सभी वर्क एक ही पाने से और जाएगा। लॉक हो चुका है। अभी सबसे पहले आपको लगाने के बाद थोड़ा जूम करके बताए व्यूअर्स को मीटर का सेटिंग, पास आके बताइए थोड़ा। ये आप देख सकते हैं मीटर का जो सेटिंग दिया गया है, अभी फिलहाल तीनों तीन मीटर है, आप जीरो पे देख सकते हैं, दिख रहा है? तीनों तीन मीटर पे फॉक्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ये भी तीनों तीन मीटर जीरो पॉइंट पे है, जरा भी प्रेशर नहीं है। अभी हम बोतल को ओपन करेंगे, यहाँ से आप देखिए ये बोतल को ओपन किया है, इसलिए सबसे पहले जो मीटर का पॉइंट बड़ा है ये वाले फर्स्ट वाले मीटर का पॉइंट बड़ा है, जिसके अंदर 1000 का प्रेशर है। इसका मायना है कि आपका बोतल में कितना गैस भरा है, कितना गैस का आपका बोतल आधा है फुल है, कितना परसेंटेज गैस आपकी CO2 बोतल के अंदर फिल है। उसके बाद दूसरा एंड तीसरा, दूसरा हम देंगे एक मशीन का प्रेशर देंगे, तीसरा देंगे दूसरी मशीन का, दोनों मशीन का हमने कनेक्शन दिया गया है। अगर आपका यहाँ पे फ्लेवर का कनेक्शन है, अगर तीन फ्लेवर की मशीन है तो तीसरा फ्लेवर का है तो उसका फ्लेवर का प्रेशर सिस्टम अलग रहता है, ये प्रेशर से उसको फ्लेवर को नहीं देना है। अभी हम इसको टाइट करके 80 का प्रेशर कर देंगे यहाँ पे, आप देखिए ये भी इसका जीरो पे, जीरो की जगह हम इसको 80 का प्रेशर दे देंगे, ये धीरे धीरे का ऊपर जा रहा है, देखिए और वो भी देखा लो जी वो, तब देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, हम इसको 50 के ऊपर लेके 80 का प्रेशर दे देंगे इसको, 80 का 100 से नीचे कर देंगे इसको, अब देखिए 80 का प्रेशर हो गया है। उसके बाद दूसरा वाला मशीन है उसका भी हम प्रेशर बढ़ा देंगे, 80 का प्रेशर कर देंगे इससे टाइट करके। ये एक बार ही सेटिंग करना है, बार बार नहीं करना है। जब आपका बोतल खत्म होता है यहाँ से नट खोल के बोतल दूसरा लेके वापस नट फिट कर दो उसके अंदर। इसको भी हम 80 का प्रेशर लगा देंगे यहाँ पे, देखिए दोनों का प्रेशर हमने 80 का कर दिया है। अगर आपका फ्लेवर का कनेक्शन यहाँ पे आप लगाते हो तो उसको 40 या 50 का ही देना है, उसको 80 का आपको प्रेशर नहीं देना है। पछड़ जाओ, अभी अराउंडली 5 से 7 मिनट तक होल्ड कर लेना है आपको। 5 से 7 मिनट के अंदर पानी बर्फ गैस तीनों अच्छे से प्रॉपरली मिक्सिंग हो गएगा। 5 से 7 मिनट के बाद हम मशीन के अंदर से आपको सोडा निकाल के उसका टेस्ट करा के उसका क्वालिटी करके हम आपको फाइनल दिखाएंगे। अभी 5 से 7 मिनट का समय हो चुका है, सोडा बन के रेडी है अपना, बिजनेस आसानी से कर सकते हो। मशीन के अंदर बूस्टर सिस्टम का सोडा बन चुका है, आप ऊपर से फ्लेवर्स डाल के अलग अलग 40 तरह का अलग अलग फ्लेवर्स का सोडा बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल तौर पे मैं आपको कोई भी एक फ्लेवर के दिखाऊंगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोकम का फ्लेवर पड़ा, इस तरह का फ्लेवर बाजार में रेडीमेड मिलता है। अगर आपको रेडीमेड फ्लेवर बना के कस्टमर को देना है तो कैसे बना के दे सकते हो, वीडियो के अंदर आपको पूरा बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से आपको एक ग्लास निकालेंगे, बोलो बाउल, आपको प्लास्टिक नो बाउल बाउल, यहाँ से हम बटन दबाएंगे, ठंडा चील्ड और स्ट्रॉन्ग सोडा बन के रेडी है अपना। ये आप देखिए ये बटन दबाएंगे, इसका प्रेशर अभी हाई प्रेशर है, इसका प्रेशर अगर आपको कम करना है तो उसका भी सेटिंग दिया गया है। यहाँ पे एक बोल्ट दिया गया है जिसको आप टाइट करेंगे तो इसका प्रेशर कम होगा। स्पीडली इतना आपको नहीं निकालना है सोडा, तो इसको हम यहाँ से पुश करेंगे, आप देखिए, इसलिए इसका जो प्रेशर जो निकल रहा है वो प्रेशर कम हो जाएगा इसका, आप देखिए। अब देखिए प्रेशर धीरे धीरे कम आ रहा है इसका, बूस्टिंग सिस्टम बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब देखिए और टाइट किया हमने, कम हो चुका है, और अगर आपको कम करना है तो और भी कम कर सकते हैं। जितना आपको रिक्वायरमेंट है, आपका जितना स्पीड है, जितना वर्क है, वो हिसाब से आप इसका फ्लेवर से सेटिंग कर सकते हो उसको। अब देखिए अभी हम ये लेवल पे रखेंगे इसका स्ट्रॉन्ग, और इसका स्ट्रॉन्ग देखिए दोस्तों, इसका सादा सोडा का फ्लेवर का क्वालिटी देखिए, कितना पावर से उबल आ रहे हैं इसमें। अब देखिए ग्लास में दिखाई हमारे व्यूअर्स को, इसका उबाल देखिए दोस्तों, कितना बबल्स आ रहा है इसमें। वीडियो के अंदर आपको ठंडा चिल्डनेस और पावर के क्वालिटी का मालूम हो जाएगा दोस्तों, कितना बेहतरीन क्वालिटी का सोडा आ रहा है इसके अंदर से। इसको हम नीचे डाल के भी आपको दिखाएंगे, देखिए उबाल देखिए इसका सोडा का। इसके अंदर आपको इस तरह से मसाला का फ्लेवर बनाना है तो हमारे पास मसाला पड़ा हुआ है, जीरा का फ्लेवर है, आप देखिए ये जीरा का मसाला जो पाउडर बोलते हैं, पाउडर है हमारे पास, इसको हम पाउडर डाल के भी आपको एक ग्लास बताएंगे।
अजमा अजम बनाना है आपको, नींबू सोडा बनाना है आपको, नेचुरल नमक डालना है, काली मिर्च डालना है, कुछ भी डालना है, हम इसमें पहले पाउडर डालेंगे। अब देखिए सोडा का स्ट्रांगनेस चेक करने के लिए मैं पाउडर आपको डाल के दिखा रहे हैं, इसका क्वालिटी देखिए दोस्तों। इसमें हम सोडा भरेंगे, इसमें दिखाइए जूम करके, देखा इसे, अब देखिए ये भी पूरा ग्लास फुल हो चुका है। देखिए कितना बबल्स और स्ट्रॉन्ग का क्वालिटी, देखिए कितना पावर से सोडा भर रहा है इसमें। अब देखिए अभी आधा ग्लास ही भरा है इसका, अब देखिए ये पावर, आपको ओरिजिनलिटी तभी मालूम पड़ता है जब इसका क्वालिटी, इसका पावर आप देख सकते हैं कितने पावर से सोडा उबाल बन के आ रहा है इसमें। अब देखिए बीजो ग्लास आप, उसके बाद कोई फ्लेवर्स का आपको अगर सोडा बनाना है तो हमारे पास ये फ्लेवर पड़ा है। इस तरह से आप अलग अलग 40 वेराइटीज का फ्लेवर बना सकते हो। अभी हमारे पास एक कोकम का फ्लेवर है, एक कोकम का फ्लेवर हम डाल रहे हैं इसमें, अजय ग्लास लगे। अभी हम इसमें क्वांटिटी के हिसाब से पहले सिरप ले लेंगे, उसके बाद प्लेन सोडा डाल देंगे इसमें। आप देखिए इसका स्ट्रॉन्ग, देखिए ये सोडा का परफॉर्मेंस और क्वालिटी आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस और क्वालिटी कैसा है, सोडा का स्ट्रॉन्गनेस पावर कैसे है इसका, अब देखिए लाओ इसको हम ऐसे मिक्स करके आपको ग्राहक को ये फ्लेवर बन के रेडी है आपका, ग्राहक का सीधा कस्टमर को आपको सर्व कर देना इस तरह से, अब देखिए। इसी तरह हमारा दूसरा मशीन है, ये भी रेडी है हमारा, कंप्लीट हो चुका है हमारा मशीन भी, अब देखिए इसका भी प्रेशर हाई प्रेशर से भी वर्क कर रहा है। इसका आपको सेटिंग लेवल करना है तो यहाँ से हम इसका भी सेटिंग लेवल कर देंगे, बोल्ट को टाइट कर गया। प्रेशर गिर, इसका स्पीड देखिए दोस्तों, अब देखो कितना प्रेशर से सोडा गिर रहा है इसमें। अगर आपका स्पीड ज़्यादा है, वर्क ज़्यादा है तो आप हाई स्पीड से वर्क कर सकते हो, अगर आपका स्पीड कम है और स्लो स्पीड का बिजनेस कम है आपका तो इसका आप स्पीड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हो आप। हो चुका है इसका, इसका भी आपको पावर का अंदाज लाना है तो इसको भी हम आपको जीरा का पाउडर डाल के पावर का अंदाज दिखाएंगे कि कितना पावर का सोडा इसमें बन रहा है। इसमें पहले पाउडर डाल देंगे हम, देखिए जीरा का, उसके बाद यहां से प्लेन सोडा डालेंगे, देखिए एक शॉट में सोडा कभी भरेगा ही नहीं, क्योंकि इसका क्वालिटी बूस्टिंग सिस्टम पावर सिस्टम इतना हाई है कि एक शॉट में आप कभी सोडा फील कर ही नहीं सकेंगे। देखिए एक गिलास सादा प्लेन सोडा बनाएंगे दोस्तों तो 20 से 25 पैसे में पड़ेगा आपको, और इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का फ्लेवर बनाएंगे तो एक गिलास आपको बनाने का खर्चा 2 रुपये में गिरेगा दोस्तों। अलग अलग इस तरह की फ्लेवर्स आप जीरा मसाला, ऑरेंज, काला खट्टा, फ्रूट बियर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 40 अलग अलग फ्लेवर्स अवेलेबल मिलते हैं बाजार में दोस्तों। तो इसमें आपको वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी, मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, कैसे इंस्टॉल करना है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी गई है दोस्तों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के अलग अलग फिटिंग के, मशीन की जानकारी के, प्रोडक्ट के वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।